ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। के न्यूज पर बुलेटिन का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और ACC गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। सोलन के पास हरियाणा रोडवेज की बस खाई में गिरी, 2 की मौत, 6 घायल, 4 को किया PGI रेफर। 2 दिनों की बैंक हड़ताल के बाद 2 दिनों की डाक विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल शुरू। नई भर्तियों और सैलरी की मांग पर की है हड़ताल। 2 साल से IPH विभाग नहीं ठीक कर पाया पशु अस्पताल के सीवरेज की समस्या, कर्मचारियों को पेश आ रही भारी परेशानी। और जानिए कैसे मंडी के एक आम आदमी ने दी इंसानों को इंसानियत की शिक्षा, मरते हुए बछड़े को मौत के मुंह से बचाया। पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ ने पेंशन और डीए वृद्धि करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार प्रकट किया है, और साथ ही प्रकोष्ठ ने फैसला किया है कि सुजानपुर में नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली में पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के ज्यादा से ज्यादा सदस्य भाग लेंगे। बुधवार के दिन पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन मंडी के स्थानीय सर्किट हाउस में किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रकोष्ठ के प्रधान इंद्रजीत ने की, और बैठक में कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में बजट सत्र में पेंशन और डीए वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया गया, और साथ ही अनुराग ठाकुर को ओलंपिक संघ का उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई भी दी। आज पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ की मासिक बैठक हुई, मुख्यमंत्री वीरभद्र जी को आभार प्रकट किया है, क्योंकि इन्होंने 10% महंगाई भत्ते की किस्त पेंशनरों को दी और 70-75 के आयु पूरी करने पर 5-10-15% पेंशन की में वृद्धि की। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी को ओलंपिक का उपाध्यक्ष बनाने के लिए बधाई दी, और आशा करते हैं कि अनुराग ठाकुर जी यहां पर भी सफलता के बुलंदी पर पहुंचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नरेंद्र मोदी की रैली में पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के सदस्य ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र जी की रैली होने जा रही है सुजानपुर पर्वतन रैली 16 फरवरी को, उसमें पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ जो बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। प्रकोष्ठ ने मंडी प्रशासन से मांग की है कि शिवरात्रि में होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन ऐतिहासिक सेरी मंच पर ही किया जाए। उन्होंने कहा कि पड्डल मैदान में होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं पर लाखों का अतिरिक्त खर्चा होता है। उन्होंने कहा कि इन संध्याओं का आयोजन सेरी मंच पर ही करवाया जाए, और जो अतिरिक्त धन पड्डल में खर्च होगा उससे मंडी का विकास करवाया जाए। हमारे मंडी में शिवरात्रि का उत्सव जो है प्रशासन ने सेरी मंच से उठाकर पड्डल में करने का निर्णय किया है। प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अगर आप पड्डल में काम संस्कृत संध्या करते हैं तो उसमें आपके लाखों रुपए खर्च करेंगे, वो जो लाखों रुपए बचत होगी वो मंडी के विकास के ऊपर लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट मंडी। पद्दर में दी भगवती हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट वीवर्स ने 10 दिवसीय बुनकर मेले और सेल प्रदर्शनी की शुरुआत की है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ SDM विनय मोदी द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में बुनकरों द्वारा बनाए गए श्रेष्ठ उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर उन्हें बेचा जा रहा है। पद्दर में दी भगवती हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट वेवर्स को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भुंतर कुल्लू के सौजन्य से 10 दिवसीय बुनकर मेला पद्दर बाजार में लगाया गया। बुधवार को मेले का शुभारंभ SDM पद्दर विनय मोदी ने किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि हथकरघा उद्योग सोसाइटी के माध्यम से बाजार में बुनकर मेला लगाने से इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। तो ईश्वर से कामना करते हैं आपका ये जो आपका प्रयास है सफल हो, आपको अच्छा यहाँ पे व्यवसाय मिले, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुनकर मेला प्रबंधक दयाराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि पद्दर बाजार में बुनकर मेला सोसाइटी का पहला कदम है। स्थानीय निवासी होने के नाते वे भविष्य में भी इस प्रकार का मेला बाजार में लगाएंगे ताकि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिल सके। शहर पद्दर में फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन लगाने जा रहा हूँ, ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए जो तो हमने यहाँ पर प्रदर्शनी एवं बिक्री सेल लगाई हुई है। मेरा मानना है कि ग्राहकों को हम ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दें। वहीं इस मौके पर स्थानीय लोगों में भी इस प्रदर्शनी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। हमारे पद्दर शहर में ये प्रदर्शनी लगाई है और ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी इसका फायदा होगा, इसके रेट भी काफ़ी सोसाइटी के नाते काफ़ी कम हैं। के न्यूज़ के लिए पद्दर से आशीष भोज की रिपोर्ट। सराज क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, यह बात सराज क्षेत्र की ग्राम पंचायत बागा चनोगी में कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसान गोष्ठी में मिल्कफेड के अध्यक्ष चेतराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कही। सराज क्षेत्र बागा चनोगी में किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में मिल्कफेड के अध्यक्ष चेतराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बर्फबारी के बावजूद लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने चेतराम को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों ने वंदे मातरम गाकर की। इस मौके पर चेतराम ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि इस क्षेत्र को भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। भाई तो बहनों, अभी और कभी मौसम ठीक होता है तो बोलने की तबीयत कर जाती है, जब बर्फ आता है तो मैंने इसको क्लोज करने की बात आज जो है हमारा जो लोक निर्माण विभाग है पूरे राज्य में 100 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है भिन्न भिन्न सड़कों के लिए भिन्न भिन्न योजनाओं के लिए, मगर ये काफी नहीं है और अभी और इसमें पैसे की हमको आवश्यकता पड़ेगी और पानी में भी ऐसा 56 करोड़ रुपया है हमको श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने दिया है और रूरल डेवलपमेंट में भी 60 करोड़ रुपए के ऊपर यहाँ पर खर्चा हमारे विकास खंड अधिकारी इनके माध्यम से भिन्न भिन्न पंचायतों में दिया है। चेतराम ठाकुर ने कहा कि इस क्षेत्र का विकास बिना भेदभाव के किया जा रहा है और अभी मुझे किसी भी अधिकारी और कर्मचारी किसी भी दफ्तर में आप देखेंगे बाकी जगह बहुत बुरे हाल है, मगर सराज विधानसभा में जितने भी में हमारे कार्यालय हैं और सारे अफसर जो है ईमानदारी के साथ काम करते हैं, जनता का कोई काम नहीं रोकते हैं। अभी मैं मुझे तो एक भी टेलीफोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्यों? कार्यक्रम में एसएमसी सराज डॉक्टर केसी शर्मा, अध्यक्ष एफएसी सराज मेक सिंह, रिटायर्ड डेप्यूटी डायरेक्टर मंडी डॉक्टर एआर शर्मा, सहायक अधिकारी आईआईआरडी विमला कमल ठाकुर ने किसानों को आत्म योजना और अन्य कृषि संबंधी जानकारियां प्रदान की। के न्यूज के लिए थुनाग से लीलाधर की रिपोर्ट। चलिए के न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व PAT की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहां बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी,
पुलिस, पटवारी, सी टैट, जेबीटी टैट, एचपी टैट आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज। जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स, एमएस सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे एमएस सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद है डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर पीपी सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, टीएमटी, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी। कनाड की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में एनुअल डे बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पूर्व सीपीएस टेकचंद डोगरा बतौर मुख्य अतिथि बच्चों की हौसला अफजाई करने पहुंचे। बच्चों ने इस मौके पर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की। राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कनाड के एनुअल डे समारोह की शुरुआत टेकचंद डोगरा ने दीप प्रज्वलित करके की। स्कूल प्रशासन द्वारा उन्हें शॉल और समारिका देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां भी पेश की। इस मौके पर बोलते हुए टेकचंद डोगरा ने कनाड की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के इतिहास के बारे में लोगों को बताया। उनका स्वागत 1986 में जब मैं 85 में विधायक बना था, एक ऐतिहासिक तौर पर ये प्रथम पाठशाला है नाचन क्षेत्र की जिसका दर्जा 10वीं से 12 तक हुआ, जमा 2 तक हुआ 1986 में, और एक एक पाठशाला, एक एक क्षेत्र को 5 साल में मिली। चौधरी पीरराम जी हमारे विधायक थे, मंत्री भी रहे, उन्होंने बंगरोटू में खोली, और जो स्वर्गीय ठाकुर शेर सिंह जी हैं वो सुंदरनगर के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने सुंदरनगर में पहली पाठशाला खोली। तो सबका ये प्रयत्न रहा कि जहाँ हमारा घर है, जहाँ स्कूल की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पहले प्लस टू स्कूल खोला जाए, और इसका विरोध भी हुआ।
चैल चौक में विरोध हुआ, दाएं बाएं में विरोध हुआ, लेकिन ये स्कूल बना और मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे कहने से इसको सृजित किया और आज ये यौवन पर आज चला है, इसकी मुझे खुशी होती है। प्रधानाचार्य जी, हम आपको बता दें कि स्कूल के प्रिंसिपल इंद्र सिंह को 13 अप्रैल 2014 को इंदिरा गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल द्वारा उन्हें प्रदान किया जाएगा। प्रिंसिपल इंद्र सिंह ने इस बात पर गहरी खुशी जताई और इस बात का पूरा श्रेय बच्चों और स्थानीय जनता को दिया। एजुकेशन एंड हेल्थ डेवलपमेंट के द्वारा 29 अप्रैल 2013 को भारत शिक्षा रत्न अवार्ड से जो सम्मानित किया गया था, इस सम्मान को देने के लिए मैं धन्यवादी हूँ इस सोसाइटी का, यहाँ की स्थानीय जनता का, यहाँ के बच्चों का, जो कि सम्मान मुझे शिक्षा व एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो दिया गया। और अभी हाल ही में मुझे इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल दिल्ली के द्वारा इंदिरा गांधी सद्भावना अवार्ड 3 अप्रैल 2014 को देने का तय हुआ है। इस सब के पीछे मेरा विद्यालय का स्टाफ, मेरे छात्र व छात्राएं, यहाँ का स्थानीय जो वो लोग व प्रशासन व सरकार का मैं बहुत ही ऋणी और धन्यवादी हूँ। के न्यूज के लिए कनाड से उमेश गौतम की रिपोर्ट। डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को विदाई पार्टी यानी कि फेयरवेल पार्टी दी। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने खूब धमाल मचाया और स्कूल में बिताए अपने समय को भी याद किया। हमारे स्कूल में ये फेयरवेल पार्टी का ऑर्गेनाइज किया गया है और बच्चे जैसे कि आपने देखा है बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको और खूब एंजॉयमेंट हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है, स्कूल के साथ कुछ यादें भी छूट जाएंगी, पर फिर भी अब फ्यूचर का सवाल है और आई मिस माय टीचर्स, मेरे टीचर्स की बहुत याद आएगी, फ्रेंड्स की बहुत याद आएगी और आई विश ऑल द बेस्ट टू माय स्कूल और मेरा स्कूल बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करे, बस यही चाहती हूँ और ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी और थैंक यू बोलना चाहूँगी प्लस वन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए अरेंजमेंट किया। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग आवर फेयरवेल पार्टी टू से गुड बाय टू आवर सीनियर्स एंड टू से गुड लक टू देम। बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज वो जा रहे हैं तो और बट इसके बाद वो दे आर गोइंग टू अचीव द हाइट ऑफ सक्सेस, सो वी होप दे गुड एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ देम। चलिए, खबरों का सिलसिला के न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।